गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। पहला थ्रो फाउल फेंकने के बाद दूसरे थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया। नीरज की उपलब्धि पर झूम उठा हिंदुस्तान। पानीपत में गोल्डन बॉय के घर पर जमकर जश्न, बेटे का कमाल देखते हुए भावुक हुए पिता, पिता ने बांटी मिठाई। पाकिस्तान के अरशद नदीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, नदीम ने अपना सीजन बेस्ट स्कोर निकाला। क्वालिफाइंग राउंड में भी नीरज पहले और नदीम दूसरे नंबर पर आए थे। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई, कहा कि आपकी सफलता पर देश को गर्व है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी बधाई दी, ट्वीट कर कहा नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, फिर से भारत को महसूस कराया गर्व। भारतीय सेना ने भी नीरज चोपड़ा की तारीफ की, ट्वीट कर खुशी जाहिर की। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी नीरज चोपड़ा की तारीफ की, कहा गोल्ड फॉर आवर डायमंड। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने दी शुभकामनाएं, पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम को भी सराहा। पीएम मोदी ने B20 समूह को संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने दुनिया भर से बिजनेस लीडर्स से कहा कि अब कार्बन क्रेडिट का जमाना नहीं, अब ग्रीन क्रेडिट की बात होनी चाहिए। B20 में विश्व के बिजनेस टाइकून से बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत से दोस्ती बनाएगी आपको मजबूत। पीएम मोदी बोले कि हमारे पास दुनिया भर की समस्याओं का समाधान, डिजिटल क्रांति का चेहरा बना हिंदुस्तान। आज 51,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेला में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश के अलग अलग 45 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे सौंपेंगे पत्र। बारामती में पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया शक्ति प्रदर्शन, कार्यक्रम में अजीत पवार का हुआ भव्य स्वागत। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भावी मुख्यमंत्री के लगाए नारे, बुलडोजर पर चढ़कर फूलों की बारिश की। बारामती में कार्यकर्ता ने क्रेन से आकर अजीत पवार पर माल्यार्पण किया, अजीत पवार के समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। नांदेड़ में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का दौरा, जेसीबी द्वारा अभिनंदन से इनकार करने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी। पुणे में एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया भारत के इतिहास पर आधारित एक ग्रंथ का विमोचन, पुणे में एमआईटी कॉलेज में सभागृह में यह संपन्न हुआ कार्यक्रम। ईएनबी अवार्ड्स में इंडिया टुडे का परचम आज तक एक बार फिर से बना देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल। आउटसाइड ऑफ दिस अवार्ड फॉर द इंडिया टुडे ग्रुप एंड द मेनी अवार्ड्स दैट टीम हैज वन, वी वांट टू खबरों की दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार सुप्रिया प्रसाद की भारत पर फिर से लगी मुहर, सुप्रिया प्रसाद को न्यूज डायरेक्टर ऑफ द ईयर हिंदी का अवार्ड मिला, उन्होंने इसका श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। अंग्रेजी में भी टीवी टुडे ग्रुप सिरमौर रहा, इंडिया टुडे को न्यूज चैनल ऑफ द ईयर इंग्लिश का गोल्ड अवार्ड मिला। बेस्ट एंकर हिंदी कैटेगरी में अंजना ओम कश्यप को गोल्ड अवार्ड मिला, अंजना ओम कश्यप का शो हल्ला बोल के लिए उनको बेस्ट हिंदी डिबेट शो का पुरस्कार भी मिला। रात 10 बजे के शो के लिए दस्तक के लिए बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो हिंदी का अवार्ड मिला, यूक्रेन वॉर कवरेज के लिए श्वेता सिंह को गोल्ड अवार्ड मिला।